नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई अपडेट के साथ स्वागत है आपका सीएससी नॉलेज बेस में। आज की इस वीडियो में हम करियर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपना करियर सोच रहे हैं कि क्या करें कैसे करें और तय नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। करियर में आगे क्या करें, ये बड़ा सवाल होता है एक टीनेजर के लिए, क्योंकि अधिकतर इसी उम्र के लोग अपने करियर को लेकर परेशान होते हैं। उनके सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं और कई सारे सलाह देने वाले भी। कई बार लगता है कि डॉक्टर बन जाएं, तो कई बार लगता है कि कोई और प्रोफेशन चुने। टीनेजर के अलावा जो लोग कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं उनकी भी यही समस्या होती है। तो इसके लिए आप जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसे अपनाइए। करियर को लेकर हम कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम किसकी सुने और कौन सही बोल रहा है। टीवी, इंटरनेट में अलग अलग बातें और आसपास के लोगों की अलग अलग बातें हमें भ्रमित कर देती हैं और कई सारे विचार दिमाग में चलने लगते हैं। ऐसे में आप केवल खुद की सुने, आपको जो सही लगे आप उसमें कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ें। आपको कोई फील्ड अच्छा लग रहा है और आप उसमें इसलिए नहीं करने जा रहे कि उसमें स्कोप नहीं है तो ये आपकी भूल है, क्योंकि हर एक फील्ड में आज के समय में बहुत स्कोप है और खूब पैसा भी है। जो लोग कई सारी चीज़ों को लेकर विचार कर रहे होते हैं ऐसे लोग अक्सर कॉलेज से निकलने के बाद या फिर कोई एक नौकरी छोड़ने के बाद करते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस कर लें, राइटिंग में चले जाएं, डिजाइनिंग में चले जाएं, और ऐसे लोग बड़ी उलझन में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह है कि वो किसी भी काम को एक बार बहुत छोटे लेवल पर करके देख लें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको वो काम बड़े स्तर पर करना है या नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप हर काम छोटे लेवल में ट्राई करते ही जाएं, इस तरीके से आपको बहुत जल्दी राह मिल जाएगी और आप करियर चुन सकेंगे। इसलिए आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बहुत अधिक सलाह देने वालों से बचें, उनके पास जाएं ही नहीं, या फिर देखें कि उन्होंने ही अपने जीवन में कितना बेहतर किया है कि वो आपको सलाह देंगे। इससे आप कई सारे भ्रम करने वाले शब्दों से बच सकेंगे और आप अपने करियर को चुनने में ध्यान लगा सकेंगे। ये बात शायद आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन हर बड़े शख्स का ये कहना होता है कि आप वही काम करें जिसे करते वक्त आपको लगे ना कि आप काम कर रहे हैं। आप खुद सोचें कि कौन से काम में आपको सबसे अधिक मजा आता है और कौन सा काम करते वक्त आपको लगता है कि आप काम नहीं बल्कि मजे कर रहे हैं। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें आप अपने काम को फन बना सकें और उससे पैसे भी कमा सकें। ऐसा प्रोफेशन आपको चुन लेना चाहिए क्योंकि वही आगे चलकर सफल होगा। करियर का चुनाव आसान नहीं होता, लेकिन इसे चुनते समय केवल अपने मन की सुने और वो चुने जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार किसी फील्ड में चले गए तो वहाँ का सही गलत सब आपको करना है, उन्हें नहीं जो आपको सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।